क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि आप लपेट ही नहीं सकते। उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए। किसको दिए, कहां दिए, कहां है ये नौकरियां, क्यों इतना छुपाकर, क्यों इतना ढककर दी गई, किसी को पता ही ना चला, ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ना पढ़ेगा इंडिया, ना पूछेगा इंडिया। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग वही तो सवाल करेंगे, ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग तो उन्हीं को तो समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार हमारा मूर्ख बना रही है। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पढ़ाओ ही मत लोगों को। एजुकेशन बजट को निरंतर घटाने का काम पिछले 10 साल में किया है। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। रोटी महंगी है, कपड़ा महंगा है, शिक्षा महंगी है, बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, ये खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं और विवश है परिवार अपनी भविष्य की जमा पूंजी को खर्चने के लिए। तो बजट आने के जस्ट पहले, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों से अनुरोध है कि यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और शुरुआत हम उस आपदा से करते हैं जिससे कि यह देश जूझ रहा है, और वो है बेरोजगारी। गुजरात की टूटती हुई रेलिंग और मुंबई में कम पैसा देने वाली एविएशन के लोडिंग सेक्टर की नौकरियां और वहां पर आई लाखों की भीड़ इस सरकार की फिजूल की दलीलों का पर्दाफाश करती है। भयावह बेरोजगारी से हमारा देश जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं। आर्थिक कुप्रबंधन, नोटबंदी, आधे अधूरे जीएसटी और अकुशल कोविड प्रबंधन के चलते इस इकोनॉमी को 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 1.5 करोड़ से ऊपर नौकरियां नष्ट हो गई। मोदी जी के कार्यकाल में यह स्लाइड जरूर देखिएगा, करीब करीब 3 लाख केंद्रीय पीएसयूज की सरकारी नौकरियां नष्ट हुई हैं, जो संविदा पर काम करते थे। अगली स्लाइड प्लीज। जो संविदा पर काम करते थे उनकी संख्या 2013 में 19% थी, वो 2022 में जो लास्ट ऑफिशियल आंकड़ा है बढ़ के 43% हो गई। ये आपदा है हमारे वक्त की। लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि आप लपेट ही नहीं सकते। उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए। किसको दिए, कहां दिए, कहां है ये नौकरियां, क्यों इतना छुपाकर, क्यों इतना ढककर दी गई, किसी को पता ही ना चला, ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है। इस देश में एक और बहुत बड़ी आपदा है और वो है आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी, और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा जो लास्ट वाला ग्राफ है, वो 1% आबादी का इस देश की वेल्थ 40% वेल्थ पर आधिपत्य है, और इस देश की आधी आबादी की वेल्थ भी आप क्लियरली देख रहे हैं जो पहला ग्राफ है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बजट इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा? ट्रेड इंबैलेंस, इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हमारा देशों के साथ ट्रेड होता है, अमेरिका के साथ है, चीन के साथ है, रशिया के साथ है, हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड इंबैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, उनको निर्यात कम कर रहे हैं। हम उनसे सामान खरीद ज्यादा रहे हैं, उनको बेच कम रहे हैं, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है। हम उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं लेकिन वो हमारा कैपिटल ड्रेन कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मोदी जी का परम प्रगाढ़ मित्र चीन है।
वो मोदी जी जो कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, उन्होंने चीन को हमारा नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $80 बिलियन से भी ज्यादा है। तो चीन जो लद्दाख में धृष्टता करता है उसकी सेना को पैसा हम दे रहे हैं। चीन के साथ आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ ऐप बैन कर दिए गए, टिकटॉक वगैरह, और चीन को लगातार अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चीन के साथ हमारा ट्रेड करीब करीब $118 बिलियन है, जिसमें से कि डेफिसिट $80 बिलियन का है। हम उनसे आयात ज्यादा करते हैं, उनको निर्यात बहुत मामूली संख्या में कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खर्च अपनी किन चीजों पे करना चाहिए? मेरा मानना है शिक्षा पर। हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, हमारी 60% आबादी 35 वर्ष से आयु में कम है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थकते नहीं है, लेकिन हम अपने एजुकेशन बजट को 7% इस साल काट देते हैं। हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हायर एजुकेशन का बजट है, उसको 61% काट देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न पढ़ेगा इंडिया, न पूछेगा इंडिया। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग वही तो सवाल करेंगे, ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग तो उन्हीं को तो समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार हमारा मूर्ख बना रही है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पढ़ाओ ही मत लोगों को। 7% बजट एजुकेशन का इससे पहले किसी सरकार ने नहीं काटा है। और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बजट, एजुकेशन बजट को निरंतर घटाने का काम पिछले 10 साल में किया है। यूपीए की सरकार करीब करीब 0.6% आवंटित करती थी, इन्होंने घटाकर 0.4% कर दिया है। कहां इसको 6% ले जाने। स्वास्थ्य, ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, वो फोटो भी बहुत सारी चीजें दिखा रही है। अभी अस्पताल चले जाइए तो जीएसटी देना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए, दवाइयों पर भी जीएसटी है। लेकिन हेल्थ पर एक्सपेंडिचर लगातार कम हुआ है। पिछले 5 सालों में टोटल बजट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर 2.4% से घटकर 1.9% हो गया है। 2.4% 5 साल पहले हम टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा करते थे, अब 1.9 करते हैं। और आप सब जानते हैं कि 2023 में हमारे देश के 16 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा है। बच्चे के जन्म से उसके 1 साल की उम्र तक बच्चे को 9 से 10 टीके लगते हैं, डिप्थीरिया का, टेटनस का, चेचक का, हेपेटाइटिस का, पोलियो का। और इन्हीं के चलते हम पोलियो से मुक्त हो पाए, इन्हीं के चलते हम चेचक से मुक्त हो पाए। लेकिन इस सरकार ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। 16 लाख हमारे बच्चे ऐसे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान में हर साल पैदा होते हैं, 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा है। तो हम क्यों ना ये भय और आशंका लेकर चले कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा से लौट सकती है, इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि यूपीए की सरकार ने इस देश को पोलियो मुक्त किया, तमाम वैक्सीनेशन दिए, ढिंढोरा नहीं पीटा। यहां ढिंढोरा पीटने और एहसान लादने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन कोविड से सीखा क्या? नील बटा सन्नाटा। हेल्थ का बजट 2.4% से घटा के 1.9% किया और 16 लाख बच्चों को टीकों से रहित रखा। ये वो देश है जो वैश्विक भूख के सूचकांक में, द हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है 125 देशों में। हमारे यहां कुपोषण एक त्रासदी है। ये है कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है, बचपन से सिखाया जाता है 10 रुपए कमाओ तो 2 तो बचाओ। और ये कल्चर एक है और इस कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को बड़ा सुदृढ़ रखा है। लेकिन इतना दंश महंगाई का, बेरोजगारी का, कम आय का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू ऋण जो 25% जीडीपी से कभी क्रॉस नहीं किया वो 41% के पास है। घरेलू ऋण 41%, 41% ऑफ जीडीपी है और सेविंग घटकर 6% से कम ऑफ जीडीपी पर आ गई है। ये 50 साल में सबसे कम आंकड़ा आया था।
और टैक्स की मार तो बेशुमार है। एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है, हमारा इनकम टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स हर व्यक्ति देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है। और असलियत यह है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है, वो जीएसटी का 64% जो कुल जीएसटी आ रहा है उसका 64% वो लोग दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है, 5 बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। उन 5 बड़ी कंपनी ने $10.5 billion करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रूसी तेल लाकर। लेकिन क्या आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ? यह है, और इसका फलसफा है कि आज आप पर ऋण कहीं ज्यादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है। लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी खर्चने को मजबूर हैं। कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी का 2/3 60% हिस्सा है। जो चीजें आप खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या अन्य वस्तुएं हो, साबुन तेल कंघी चप्पल इत्यादि, FMCG जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, शैंपू मंजन तेल इत्यादि, इसके दाम कम करने के बाद भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और डेटा दिखाता है कि अप्रैल और मई में FMCG की सेल आधी हो गई है। जून में भी यही हाल रहा। सरकार से बात करो तो सरकार के प्रवक्ता टीवी पर आकर कहते हैं कारें बिक रही हैं। 60,000 करोड़ की कार मोबाइल SUV बिना बिके पड़ी हुई है, इतनी इन्वेंटरी है। 60,000 करोड़ की अनप्रीसीडेंटेड, हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में इतनी कभी नहीं थी। तो आपके कार खरीदने वाले भी कार नहीं खरीद पा रहे, ये महंगाई का आलम है। और ये कंजम्पशन है, ये इस देश का कंजम्पशन है जो पूरी तरह डेंट हो चुका है। और ये डेटा मेरा अपना नहीं है, ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का डेटा है। 60,000 करोड़ रुपए क्या इन्वेंटरी बिना बिके पड़ी हुई है।